हाथ पा पा के उतर रहे ने पौड़ियां नूं। रावण की लंका नूं हाथ पाउणा कड़ा सौखा ही है कम। रावण दा जे सोने दा महल देखना तुसीं तां इहने खतरनाक राह विच दी लंघना पैंदा। इधरले पासे खाई है थले। तुसीं मेरे हुण पिछले पासे देख रहे हो रावण दी सोने दी लंका दा मेन गेट। सत श्री अकाल जी, सारा स्वागत करदा नवे ब्लॉग नवी वीडियो दे विच। आपां घूम रहे हां जी श्रीलंका दे विच। श्रीलंका दे शहर सगीरिया दे विच खड़े हां। सगीरिया एक ओह जगह जिथे कहा जांदा कि रावण दी सोने दी लंका हुंदी सी। ते आपां रावण दी सोने दी लंका देखण आए हां। किवें दी लगदी है, की रहण सहण सी, किवें दा उहदा महल सी, सारा कुछ तुहानूं अज दी वीडियो दे विच दिखावांगे। उह सोने दी लंका पत्थर दी किवें बण गई सी, उह वी तुहानूं अज दे ब्लॉग दे विच दस्सांगे। ते उह जिहड़ी रावण वाली सोने दी लंका ना, उह बाद दे विच इतों के जोड़े राजे महाराजे हुए ने उन्होंने भी यूज़ की आ, पर ओरिजिनल रावण की सोने की लंका सी। फिलहाल आप रावण की लंका के बाहर घूम रहे हैं। टिकट वगैरह कटावे, सारा कुछ थोड़ू दसागे। ए टू जैड ब्लॉग के इनफॉर्मेशन मिलेगी थोनों। वीडियो में बदो बद शेयर कर दौ। तो हजे तो आप लंका के बड़े नहीं है सी। बानर सेना थोड़ा पहली देखने मिल गई। आ देखो किमें पहरा लाई बैठी आ। ये बंदर भी होर हिसाब जे ने, जिमें अपने तो बंदर दियाँ पूछा छोटिया होंगे ना, इन्हों दूछा लंगूर वर्गिया ने। खाला खाला होर दव। एक मिनट पाना पाना। चको चको लो नज़ारे, लै आजादी कर दो हमला हूँ। चको चको खत्म होगी बस। आ जाओ सारे खा लो आके। लो जी, जिथों आ फाटक लगे हुए ना, इतों एक तरह का यह सारा किला शुरू हो जाता। मतलब ये अंदर अंदर रावण की लंका सी, पर जिहड़ी जगह के उत्ते रावण रहिंदा सी, रावण का पैलेस बनया होया सी, उह आपां नूं 1.5 किलोमीटर कहिंदे घट्टो घट अंदर तुर के जाना पैना है ना। हुण टिकट वगैरह का आपां पुछदे हां। दिस साइड इज़ फॉर द फॉरनर्स, ओके दिस वन, ठीक है। इधर दी बाई कहिंदा जाना फॉरनर ने, ते क्योंकि इत्थे अड्ड अड्ड साइन बोर्ड लगे हुंदे ने भी लोकल बंदे ने दूजे पासे दी जाना, फॉरनर बंदे ने दूजे पासे दी जाना। बस तुसी ये कह सकते हो कि हुण आपां रावण की लंका दे ना बिल्कुल बाहर बाहर घूम रहे हैं। इधरले पासे रावण की लंका, तो आ सारी उहदी चार दवारी आ। किसे टाइम शायद इत्थे सैनिक वगैरह खड़े होणगे। तो इतिहास के मुताबिक जां जिथे असी पढ़िया तां कहा जांदा कि 10,000 साल पुरानी गल्लबात। तो जिहड़े फाटक कोलों बाई ने आपां नूं मोड़िया सी कि तुसीं दूसरे पासे दी जाओ फॉरनर वाले पासे दी, तां हजे तक आपां अद्धा पौणा किलोमीटर दे नेड़े तेड़े आ गए हां। तो टिकट काउंटर नहीं आया। इधरले पासे जिहड़ियां कंधां बणियां होईयां ने छोटियां छोटियां है ना, 2-2 फुट दियां, ये निशानी भरदियां ने कि आपां इस टाइम रावण वाली लंका दे विच ही घूम रहे हां। एक यह बहुत वड्डा किला हुंदा सी, पर जिहड़ी जगह दे उत्ते रावण रहिंदा हुंदा सी है ना, जां जिहड़े महल दे उत्ते रावण रहिंदा सी, क्योंकि किला बहुत वड्डा हुंदा, राजे दा आपदा अलग तों कमरा जां अलग तों महल पाया हुंदा सी किले दे विच। आपां उस महल दे कोल जाणा ते उत्थे चढ़ना किन्ना औखा जां किन्ना सौखा, वह महल देखना उस नूं अगे जाके दसदे आं। बहुत टेढ़ी चीज़ बनी हुई है इत्थे। तो आ लंका के बाहर ना इधरले पासे आ, जिवें एक छोटी जी नदी चलती हुंदी आ ना, उवें बनाई हुई आ। है तो यह आर्टिफिशियल आ, पर छप्पड़ जिहा है, पर कहा जांदा कि इहदे विच कहिंदे अज दी डेट दे विच वी मगरमच्छ रहिंदे ने। तो इधरले पासे बोर्ड भी लग्या होया, बी वेयर ऑफ क्रोकोडाइल है ना। उह देखण नूं तां आपां नूं कोई मिल नहीं रहा। मच्छियां हैगियां ने छोटियां, पर यह सारा जंगल वाला एरिया ही आ। उधरले पासे भी जाके ज़्यादा वड्डा छप्पड़ बनया होया। सामने इधरले पासे काउंटर बनया होया, इधरों तुसीं गाइड लै सकते हो, तुहानूं नाल नाल गाइड करी जाणगे, किले बारे होर गल्लां बातां दसी जाणगे, जां इत्थों दा जो इतिहास आ लेटैसट इतिहास आ जिहड़ा रावण बारे, कोई भी तुहानूं गाइड इत्थे कुछ भी नहीं दसूगा, पर जिहड़ा कोई 4-5 साल पुराना इतिहास आ, 4-5 हज़ार साल पुराना इतिहास आ जिहड़ा, उहदे बारे दसी जाणगे। तो जे तुसीं रावण वाले इतिहास बारे पुछोगे, उहदे बारे तुहानूं इत्थे कोई कुछ नहीं दसूगा, जे दसूगा भी तां रावण दीआं पॉजिटिव पॉजिटिव गल्लां दसणगे। ते अपने वास्ते भी एवें दा टिकट काउंटर बनया हुआ। सर, 2 टिकट्स, हाउ मच फॉर 2 परसनस? वी आर फ्रॉम इंडिया। गिव मी योर पासपोर्ट प्लीज। ओके, इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर इंडिया? 50%? ओके। ते हुणे आपां काउंटर तो टिकट लेके आए हैं। $30 लगती है फॉरनर वास्ते। तो $30 मतलब तुसीं इह ला लो भी 24-25 सौ रुपया लगता, 25-26 सौ रुपये के हिसाब ना ला लो। पर जे इंडियन पासपोर्ट जिन्हों को है उन्होंने 50% डिस्काउंट देंगे ने। जे श्रीलंकन रुपीज़ की गल करिए, वैसे अपने लगने से इतने
9000 रुपया घट्टो घट है ना। इन्होंने सिर्फ अपने को लिया 4950 रुपये। तो टिकट काउंटर से थोड़े एवं मोहर ला देंगे, मोहर लाने तो बाद अंदर चले जाओगे। राह दे विच तुहानू गाइड भी मिलेंगे, तो गाइड कहिंदा भी 5000 रुपया मैं लूँगा, तो थोड़ू अंदर किहड़ियां चीज़ां ने देखने वाली वो दस दूगा, पर रावण नूं लैके कोई गल्लां बातां नहीं, कोई गाइड नहीं दसूगा। वो तो आ देख लो इधरले पासे आ छप्पड़ की गल करता सी मैं, जिथे कहिंदे कि क्रोकोडाइल वगैरह हैगे ने, क्योंकि इन्हां ने बोर्ड लाए हुए ने साइन बोर्ड। इत्थों आपां भाई हुण रावण की लंका दे विच चढ़न लगे आ। आ लै इधरले पासे एक व्यू पॉइंट बनया होया सी, इत्थों रावण का महल दिखता, आ सी सामने रावण का महल। तो जिहड़ी आ तुसीं सारी जगह देख रहे हो, इत्थे उहदी लंका दे विच जिहड़े लोग रहिंदे सी, जां कोई सैनिक सी, चाहे कोई काम करन वाला, चाहे कोई भी सी, है ना, उहनां दीआं जगावां बणीआं होईआं ने सारीआं। इह जिवें आ पुराणे हुण टुट्टे पए ने पर कमरिआं दी शेप अरगे लगदे ने इह, है ना। पर रावण जिहड़ी जगह दे उत्ते रहिंदा सी उह थां दे उत्ते रहिंदा सी। रावण हुण उह जगह दे उत्ते चढ़दा किवें होऊगा, इह वी इक सोचण वाली गल्ल। अज दी डेट दे विच तां उत्थे कहिंदे पौड़ीआं बणाईआं होईआं, आपां तुर अंदर तक जा के देखांगे। जमा बहुत टॉप ते बणिआ होइआ इह, देखण नूं ऐ लगदा वी छोटा जिहा पत्थर आ, उत्थों जमा कीड़ियां अरगे लोग दिख रहे ने। आ जिहड़ियां कंधां ने पुराणियां, हो सकता ये टाइम वह टाइम भी ये सोने दियां होण, क्योंकि आ देखो हुण इन्हां दे उत्ते चढ़न दी मनाही आ, पर ये इत्थों शो करदियां ने भी इत्थे कोई पिलर हुंदे सी जां कमरे हुंदे सी, है ना। जिवें इधरले पासे तलाब बणिआ होइआ इक, ते आ जिहड़ी जगह बणी होई इधरले पासे, ये सारे जिवें किसे कमरे नूं गेट जांदे हुंदे ने, पिछले पासे सारा खंडर बणिआ पिआ, उह चीज़ां नूं दिखा रिहा। इक इह ना इक आर्कियोलॉजिकल साइट भी आ, ते आर्कियोलॉजिकल वालिआं ने कहिंदे इह कन्फर्म कीता भी अज तों 4-5 हज़ार साल पहलां भी इत्थे आबादी हुंदी सी, है ना। ते जिहड़ा राजा कश्यप दी मैं गल करदा, राजा कश्यप ना उदों आया जदों जिहड़े युग दे विच आपां हुण जी रहे हां, है ना। जिवें कलयुग की गल करिए तां राजा कश्यप इस टाइम दे विच हैगा सी, फोर्थ सेंचुरी की गलबात आ, 473 तों लैके 491 तक राजे कश्यप का इत्थे राज रहा। तो उहने सारे महल नूं जां इस सारे सिगिरिया रॉक नूं मॉडिफाई कीता सी। सिगिरिया रॉक नूं क्यों कहिंदे ने, सी दा मतलब हुंदा शेर, गिरिया का मतलब हुंदा उहदे मूँह वर्गी, भी शेर दे मूँह वर्गी चट्टान हुंदी सी, तां करके इहनूं सिगिरिया रॉक कहा जांदा। तो रावण के महल के बाहर ना इधरले पासे होर बहुत थावां बनिया हुई ने यार, घूम फिर के देखने वाली। इन्होंने जाने पर पाबंदी ला रखी है भी उधरले पासे तुसीं जाना नहीं, उत्थे एक खूह भी बनया होया, है ना, सारिया उही पुरानी इट्टां दा बनया होया। लगता सारी दुनिया के किसे एवें दा पहाड़ नहीं होना भी, ये तुसीं जदों सिगिरिया दे विच एंटर करदे हो ना, तुहानूं दूरों ही दिखण लग जांदा। तो यह आले दुआले पद्धर एरिया, तो विचाले कल्ला ही पहाड़ बहुत उच्चा खड़ा है। लो जी रावण के महल के पहला पैर धरता आपां, इत्थों शुरू हो गया असली गलबात जिथे वो आप रहिंदा हुंदा सी। हुण अज दी डेट दे विच तां आपां नूं पौड़ियां बणियां होईआं ने उहदे उपर जाण वास्ते, इह अलग बाद च बणाईआं ने, पौड़ियां पहलां नहीं हुंदीआं सी। रावण दे कोल पुष्पक जहाज़ हुंदा सी, इहनूं पुष्पक विमान कहिंदे सी, कहिंदे उहदे नाल उह उपर जांदा हुंदा सी। ते थोड़ा जिहा होर अगे आए आपां, अगे आ के तुसीं राह देख लो, दो पत्थर आपस दे विच ना सिर जोड़ी खड़े ने, ये बिच दी राह जांदा, एडे एडे पत्थर खड़े किवें ने पता नहीं। ये तो टाइमिंग तुहानूं मैं दसदा, सवेरे 6:30 बजे खोले जांदा, तो शाम नूं 7 बजे ये बंद हो जांदा। तो रावण दे सोने दे महल दा ना एक तरह का ट्रैक शुरू हो गया, अंदर जाके तुहानूं दिखावांगे, बहुत सोहना ट्रैक बनया होया, तो बहुत खतरनाक भी आ, जमा पहाड़ के कंडे कंडे के किनारे किनारे से बनाईया हुई ने पौड़ियाँ। इत्थों पौड़ियाँ शुरू हो गई, तो लोग सह लै के दम लै के चढ़ रहे हैं उपर, क्योंकि हजे तक काम शुरू होया। एवें दियां पौड़ियां जमा इहदे नाल नाल जाणगे पहाड़ दे। राह दे विच बांदर भी बैठे होणगे थोड़ा स्वागत करन नूं, नाल कुछ बड़ा खाण नूं लै के ना आयो, गेट ते खोलदे ने तां। तो जमा टीसी ते आपां पहुँच गए हुण, पूरी तेज़ हवा चल रही आ, इत्थे आ के ना तुसीं पौड़ियां वाला राह देख लो किवें बनाया होया। आ देखो जमा नाल नाल, तो सारे जिन्ने भी लोग ने, चाहे अंग्रेज़ ने, चाहे अंदरले ने, बाहरले ने, थोड़ा थोड़ा सह लैके फिर चढ़ रहे हैं। इधरले पासे तुसीं व्यू देख लो, हजे तां आपां पहाड़ ते चढ़े नहीं हैगे, सारा श्रीलंका कह सकते हो जां सिगिरिया कह सकते हो, जमा नीवा हो गया इत्थों। आ दे जमा आ दे, इत्थे देख लो किवें दा राह बनया होया, है ना, जमा पहाड़ दे नाल इन्हां ने पौड़ी लाई आ, थल्ले ते कोई भी सपोर्ट नहीं हैगी। आ जी
ਥੱਲੇ ਪਹਾੜ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਐਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਾ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਨ ਰੌਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਪੰਜੇ ਬਚ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਾਹਲਾ ਘੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਓ ਯਾਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੜਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਸੈਟ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੂਰਜ ਜਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4:00 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹੁਣ 4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੁੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਐਂ ਲੋਕ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਇੱਥੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਊਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਡੰਘਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਦੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਿਊ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਾਵਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਣਾ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਦੇ ਦਿਉ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਕਾ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ TC 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਥੰਮਲੇ ਜਾਂ ਕੌਲੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਾਇਣ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ TC 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
क्योंकि इतने व्यू बहुत घेंट है यार। सामने अखा च सूरज पै रहा, सनसैट का नज़ारा, आले दुआले सारे शहर का सिगरी का नज़ारा। वो जमा दूर जाके महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति बनी हुई है ना, आ देख लो इन्नी थान से महल सी है ना। तो ये राजे कश्यप ने जिहड़ा कि श्रीलंका का राजा हुंदा सी है ना, ये फोर्थ सेंचुरी की गलबात आ। तो उदों उन्हें इन मॉडिफाई करता सी माड़ा मोटा। तो इत्थे खड़ के तुसीं ये इमेजिन करोगे ना, जिवें किसी घर का नक्शा बनाया हुंदा, कल्लियां नियौआं पट्टियां हुंदियां ने, उवें दा नक्शा रह गया हुण इत्थे जां हैगियां ने। इत्थे इत्थों दे लोक नहीं मानते यार, इत्थों दे लोक कहिंदे ने वी रावण जिहड़ा सी उह बहुत वधिया बंदा सी। तो वो ये भी कहते हैं जिम्मे उन्होंने सीता जो किडनैप किया, कहते लक्ष्मण ने पहला उन्होंने भैन का नक् बढ़ता से है ना, सरूप नखा का भी। उदू बाद फिर रावण ने बदला लिया सी। तो आ देखो इतों सुन मैं दिखा, आ पुल की मैं गल करता से, ये नैचुरल आ ठीक है। ऊँ बस टोआ पट्टिया होया, मीह वाला पानी इतने खड़ता होगा है ना। जिमें आप उत्तर प्रदेश के बिहार के आप राजगीर शहर के कोल नालंदा यूनीवर्सिटी देखी सी, दुनिया की सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी है ना, वह भी खंडर हो गई, वह भी 2,500 साल पुरानी गलबात सी। पर इतने तो युग पुरानी गलबात है ना, हुण तां जिवें कल युग चलता। तो यह जिहड़ी तुहानूं जगह दिखा रहे हैं यह हैगी है त्रेता युग की। त्रेता युग के रावण हुंदा सी, त्रेता युग के राम हुंदा सी। कई लोग मानते ने, कई लोग नहीं मानते है ना, पर बाणी ने भी कहा, बाणी दे विच भी ये चीज़ां बारे दस्या गया भी राम रावण हैगे सी। हुण ये एग्जैक्ट लोकेशनां दा नहीं पता भी कित्थे सी जां कित्थे नहीं सी है ना, पर बाणी दे विच भी ये चीज़ां दे नाम आउंदे ने, राम गयो रावण गयो है ना। तो उधरले पासे देखो आदि इत्थे भी सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, बस व्यू कैप्चर करन वाला इत्थे। तो इत्थे खड़ के ऐं लगदा भी जिवें इधरले पासे मेन गेट हुंदा, क्योंकि इधरले पासे जिवें जिवें आपां निगाह मारदे जा रहे हैं ना, कमरे होंगे ने जां कोई महल हुंदा रावण का उच्चा हुंदा जा रहा। इधरले पासे देखो आप जमा टीसी ते खड़े सी पहला है ना, तो उत्थों थले नूं पौड़ियां उतरदियां ने, नक्शा सारा जां आर्कीटेक्चर सारा इधरले पासे मतलब शो करदा। हुणे हुणे ना इत्थे एक बंदा खड़ा सी, श्रीलंकन सी उह, ते जिहड़े आ अंग्रेज़ बैठे ने इत्थे है ना, इहनां नूं दस रहा सी वी जिहड़ा राम सी भाई उह इंडियन सी रामचंद्र, ते जिहड़े रावण की गल करदे वी रावण सी श्रीलंकन, दोनों का आपस के कहते रौला चलता सी है ना। वो चीज़ में बई एक्सप्लेन कर रहा सी, राम जां रावण नूं तां श्रीलंका वाले लोग मानते ने, हनुमान नूं नहीं मानते। हनुमान जी ने कहते सारी लंका नूं अग लाती सी ना, हुण तुसीं आप देखो यार, कोई किसी के घर नूं अग ला दे तां कोई मन्नूगा थोड़ी भी साडे घर नूं अग लाती सी भी बाहरों किसी ने आके है ना। तां करके तुसीं इत्थे हनुमान की हिस्टरी पुछदे हो ना, तां तुहानूं कोई भी क्लीयर नहीं दसदा। हाँ इन्ना जरूर कह देंगे भाई हाँ एक राम सी जी जिहड़े कि आपकी मतलब वाइफ नूं जां सीता माता नूं लैण वास्ते इत्थे आई सी, तो रावण ने किडनैप कर लिया सी कहिंदे, पर इहदे विच रावण की भी कोई गलती नहीं सी, सरूप नखा दा नक वढ़ता सी लक्ष्मण जी ने, तां करके फिर ये चीज़ां नूं उस वे नाल देखदे ने भी रावण ठीक बंदा सी। तुसीं आपदा कमेंट करके राय जरूर दिओ, आपां चैक करदे हां किन्नी क नॉलेज है तुहानूं भी रावण वधिया बंदा सी जां रावण घटिया बंदा सी है। पर वो एक राजा सी, पर उन्हें तपस्या की शिवजी की बहुत बड़ी, शिवजी का भगत सी, उदू बाद फिर उन्होंने शक्तियां राजा रिधियां सिधियां का कह सकते हैं वो मालक बन गया सी। ते हुण रावण का आप महल देख के वापस चले हाँ, ये वाला मैं पूल की गल करता सी, ये भी रावण का हुंदा सी, कहिंदे रावण इत्थे नहाउंदा रहा। तो ये मैं तुहानूं पहला उपर खड़ के दिखाया सी है ना, पर जिहड़े हिसाब नाल कहा जांदा कि रावण का कद हुंदा सी 20 फुट का 25 फुट का, उहदे नाल उहनूं स्विमिंग पूल तां आर्कीटेक्चर वाले बाई ने छोटा ही बना के दिता सी। तो बस इतों हम आप बाहर चलते हैं, व्यू देखने वाला इतों यार बहुत सोहनी हवा चलती है, जिनी गर्मी थोड़ू उपर आने इतने लगेगी या राह दे विच आजूगी सारी सुक जूगी ठीक है। इतने लिखा होया सेंट्रल बाथिंग पूल, आ देखो लिखा भी होया भी यह नहाने वाला हुंदा सी, रावण का स्विमिंग पूल आ, रावण इस दे विच नहाउंदा रहा। सारा महल दिखाने तो बाद ना हुण तुहानूं वो जगह दिखा के लैके आने जिथे रावण का तख्त हुंदा सी, भी रावण इत्थे बह के सभा लाउंदा होऊगा। आ देखो ये है जी वह तख्त राजे का, यानी कि लंकेश रावण का, इत्थे भी लिखा होया थ्रोन, एवें दा हुंदा इह तख्त। ये तो भी वह टाइम च हो सकता भी सोना लग्या होवे है ना, जिहड़े हिसाब नाल गल्लां ने। बस आही चीज़ लास्ट दिखाउण वाली रह गई सी, रावण का तख्त भी इत्थे इस तख्त के उत्ते बह के रावण कदे फैसले लैंदा होना,
पर श्रीलंका वाले लोग जिहड़े हैगे ने ना वह सारे रावण के हक के भुगतते ने। वो कहिंदे ने भी रावण वधिया राजा सी, दयालू राजा सी, सानू तां कदे लोकल बंदिआं नूं कदे तंग तुंग कीता नहीं हैगा। इंडिया च जाके जिहड़े पंगे ले ने, वो चल उहदी बाद दी गल्लबात आ। तो सामने एक आ पहाड़ बनिया होया, इहदे उत्ते भी लोग घूम रहे ने। तो तुसीं भी कदे जिहड़े सिगिरिया दे विच घूमण आउणे हो ना, इस जगह दे उत्ते टेंट ला के भी रह सकदे हो, कैंपिंग भी कर सकदे हो। तो इधरले पासे जिहड़ा तुसीं जंगल देख रहे हो ना सारा, यह हैगा नैशनल पार्क। तो इत्थे बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि एलीफेंट वगैरह ज होर जी सफारी कराते ना इस जंगल के करवाई जाती है, जिदी आप सवेरे पूछा भी सी 12,000 रुपया मंगते सी जीप के घुमाउणगे इस जंगल के। नैशनल पार्क है इतों का सिरगिया का। अज की वीडियो के श्रीलंका की सब तो फेमस जगह रावण का सोने का महल, जां तुसीं लॉयन रॉक कह सकते हो है ना, जां फिर राजे कश्यप का महल कह सकते हो, वह जगह आपां देख ली आ। इत्थों दे लोग इहनू आपदा प्राउड मानते ने, प्राउड ऑफ श्रीलंका कहिंदे ने इस जगह नू, सिरगिया दे महल नू। बहुत सोहनी चीज़ सी, थोनू सारी आपां डिटेल दे विच इनफॉर्मेशन दित्ती है। कई बार पता नहीं लगता भी इस जगह दे उत्ते किवें आउणा, तां अपनी लड़ीवार जिहड़ी सीरीज़ चल रही है ना श्रीलंका की, उहनू तुसीं देखोगे तां थोनू सारा पता लग जूगा इस जगह दे उत्ते किवें पहुँच सकते हो। किन्नी कि यह गल दे विच सच्चाई आ जां कुछ भी आ है ना, उहदे बारे चलो अलग अलग मिथ चलते रहिंदे ने। जिन्नी कि साडे कोल नॉलेज सी उहदे अकॉर्डिंग थोनू इह सी दस्सता वी रावण हैगा सी कोई, ते उहदा कहा जांदा कि सोने दा महल सी। ते नवीं वीडियो दे नाल कल नू फिर मिलदे आ। इस वीडियो नू आपां इत्थे ही खत्म करदे आ। सत श्री अकाल जी सारिआं नू। वीडियो नू वध तों वध शेयर करदे रहा करो।